एक्टिवेटेड होता है, उस जीन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो अपने कंप्लीट हैं। और आज अपन एक नया पॉइंट देखते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में किस तरीके से क्या परिवर्तन होता है कि जिसके कारण व्यक्ति के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या घट जाती है या क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है। अगर क्रोमोसोम की संख्या घटती है तो उसको क्या कहते हैं, अगर क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं, और अगर क्रोमोसोम की संख्या बढ़ी तो वो किसी दूसरे जो पहले से क्रोमोसोम प्रेजेंट था उसकी कॉपी होने से बढ़ी, या उसके अंदर रेप्लिकेशन की क्रिया के द्वारा वो बढ़ी, या फिर वो घटी तो वो टूट करके हटी, या फिर कंटिन्यूस उसी पोजीशन में हटती है, उसकी बेस पे आज अपन देखते हैं क्रोमोसोम। तो अपन नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अपन क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, गुणसूत्र, संरचना। गुणसूत्र की संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है और कैसी होती है, इसके बारे में एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्रोमोसोम जो हैं वो जैसे ही उनकी स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं तो इनके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि एक ही क्रोमोसोम, एक जो सेंट्रोमियर होता है उसके ऊपर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम एक सिस्टर क्रोमेटिड्स के रूप में भी जुड़े हुए हो सकते हैं। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, तो जैसे ही हम देखते हैं कि जो सेंट्रोमियर होते हैं उन सेंट्रोमियर के ऊपर ये क्रोमोसोम जुड़े हुए होते हैं, तो ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, जहाँ सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं तो ये एक सेंट्रोमियर से जुड़ करके सिस्टर क्रोमेटिड्स के पेयर के फॉर्मेशन में पाए जाते हैं, सिस्टर के पेयर्स के फॉर्मेशन में पाए जाते हैं। तो इसको मैं एक बार आपको पहले एक डायग्राम से समझाती हूँ कि ये तो होता है इनका सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर से इस तरीके से ये एक पेयर के फॉर्मेशन में पाए जाते हैं। तो ये तो बन जाता है इनका सेंट्रोमियर न्यूक्लियस, सेंट्रोमियर, और ये होते हैं इनके क्रोमेटिड, क्रोमेटिड्स। तो क्रोमेटिड्स की बात करते हैं तो ये पेयर के फॉर्मेशन में होते हैं, इनमें से इक्विवेलेंट वाला पेयर नहीं होता। कभी भी ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि इनमें ये अपने आप में एक पेयर होता है और ये पूरा अपने आप में एक पेयर होता है। इस तरीके से जो हैं ये एक पेयर के फॉर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर कोई क्रोमोसोम की बात करते हैं अपन तो इस पूरे को एक क्रोमोसोम माना जाता है। अब अपन बात करें इसमें क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरीके से इनके अंदर डिलीशन होता है। सपोज करो कि मैंने इसको ये पूरा एक क्रोमोसोम बनाया, इस क्रोमोसोम्स के ऊपर मैंने इस तरीके से ए बी सी डी और ई, ये इसके ऊपर क्या बना दिए, इनके जोन बना दिए। अगर अब इनके ऊपर कोई चेंजेज होता है और उस चेंजेज के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, डिलीशन उत्पन्न हो जाता है।
जैसे ये हैं। अब इसके अंदर अगर डिलीशन हुआ यानी कि उनकी घटे या फिर हटे वो, तो सपोज करो कि यहाँ से और यहाँ डिलीशन हो चुका है। अब अगर इस जगह डिलीशन होगा तो नेक्स्ट जो क्रोमोसोम बनेगा वो क्या रहेगा, ए बी सी और ई। और डिलीशन के द्वारा ये जो डी बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सिंपल रूप में ऐसे याद रख लेते हैं इसको कि ये क्या हो जाएगा, इसके कारण डिलीट हो जाएगा, यानी कि डिलीशन की क्रिया होने के कारण इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। एक बार इसको मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। स्ट्रक्चर कि किस तरीके से इनके अंदर डिलीशन की क्रिया, रेप्लिकेशन की क्रिया होती है, डुप्लीकेशन की क्रिया भी होती है। जब इनके अंदर डिलीशन होता है तब तो ये डिलीट हो जाते हैं, लेकिन डिलीशन की जगह शब्द डुप्लीकेशन आ जाता है तो वो दोगुने हो जाते हैं। सही, इसके अंदर ये दोगुने होते हैं। अब अपन इसमें दिखा देती हूँ आपको, डायग्राम से समझा देती हूँ इसमें आपको। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये डुप्लीकेशन की क्रिया के द्वारा। ये तो था नंबर फर्स्ट, डिलीशन। अगर इसकी जगह मैं बात करूँ डुप्लीकेशन, नाम से पता चल रहा है क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अब सपोज करो कि अपने पास ये एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर ए बी सी डी और ई, ये चार पार्ट हैं। जैसे इसके अंदर क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ, डबल होंगे ये। इसका मतलब सपोज करो कि इन दोनों के बीच में क्या हो गया, डुप्लीकेशन की क्रिया हो गई, इन दोनों के बीच में डुप्लीकेशन हो गया। अब जब डुप्लीकेशन के बाद में ये बनेंगे तो ये इस तरीके से बनेंगे, ए बी सी डी सी डी और ई। जैसे एक ही पार्ट था जिसके बीच में डुप्लीकेशन हुआ था सी और डी, वो दोनों क्या हो गए, डबल हो गए। और अगर इसकी जगह डिलीशन की बात आती है तो वो क्या हो जाएंगे, डिलीट ही हो जाते हैं। तो इनके अंदर डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वेशन, एक और होता है नंबर थ्री, इन्वर्जन भी कहते हैं, इन्वेशन भी कहते हैं इसको, इन्वेशन, या इसको हम इन्वर्जन भी कहते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है कि पलट के उल्टा जुड़ना, टूटा उस साइड से नहीं जुड़ेगा, जो साइड जुड़ी हुई नहीं थी उधर से वो आके जुड़ जाएगा, तो जीन क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैंने यह बनाया एक डायग्राम के द्वारा, ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया जिसके अंदर ये पार्ट है ए बी सी डी और ई। इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, इन्वर्जन के कारण क्या हो गए, कटे, स्प्लाइसिंग की क्रिया हुई और उल्टे जुड़ गए। जैसे कटने के बाद में एक पार्ट तो बना ए बी और सी, और एक पार्ट बना डी और ई। जैसे ही इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, और इन्वर्जन के बाद में ये कैसे जुड़ गए, ए बी सी, जुड़ना डी चाहिए था, अब जुड़ गया ई और अब जुड़ गया डी। तो जब ये इस तरीके से जुड़ते हैं तो इनके अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, इन्वर्जन, उल्टी क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर जो है वो क्या क्या होते हैं, इन्वर्जन है, डुप्लीकेशन है, डिलीशन है, ये सारी प्रोसेस जो हैं वो इस तरीके से होती है कि इनके एंजाइम जो हैं वो या तो ये एंजाइम के द्वारा कट होने के बाद में उसी साइड से जुड़ जाते हैं, या फिर वो कट होने के बाद में दूसरी साइड से जुड़ जाते हैं। अगर ये कटने के बाद में उसी साइड से जुड़ते हैं लेकिन वो नष्ट नहीं होते,
उसी पोजीशन में रहते हैं, केवल उल्टे सीधे चेंज होते हैं, तब तो वो चले जाते हैं किसके अंदर, इन्वर्जन के अंदर। लेकिन अगर वो कटने के बाद में जो कटे वो डिलीट हो गए, तब वो चले जाते हैं डिलीशन के अंदर। और यदि वो कटने के बाद में क्या हुए, अलग हुए, और अलग होने के बाद में डबल हो गए, तब वो किस में चले जाते हैं, डुप्लीकेशन के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आज क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में समझाया आपको, कि क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर किस तरीके से उनके अंदर डुप्लीकेशन, डिलीशन और इन्वर्जन की क्रिया होती है, कि इन्वर्जन के द्वारा वो क्या हो जाते हैं, उल्टे जुड़ जाते हैं, उल्टे प्रोसेस में जुड़ जाते हैं, डिलीशन के द्वारा वो डिलीट हो जाते हैं, और डुप्लीकेशन के द्वारा वो डबल हो जाते हैं। ये रहा इसका फर्स्ट पॉइंट, डिलीशन, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन, ये सारी प्रोसेस किस में होती है, इन सेंट्रोमियर के ऊपर। तो कोई स्ट्रक्चर फ़र्क नहीं पड़ता, केवल चेंज होता है किसके अंदर, क्रोमेटिड्स के अंदर, कि क्रोमेटिड्स के जो स्टैंड होते हैं ये एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, अपना एक्सचेंज कर लेते हैं। जब ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं तो इन क्रोमेटिड्स के ऊपर जो उपस्थित जीन्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। इनके एक्सचेंज होने से, इनके इधर उधर होने से, फिर उनकी जो प्रोसेस होती है पूरी, जो क्रिया पहले होने वाली थी वो बिल्कुल ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।